हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है और आज हम क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल से एक और पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है द लेबरनम टॉप। और लेबरनम एक पेड़ है और इसके जो फ्लावर होते हैं वो येलो कलर के होते हैं और ये बहुत पॉइजनस पेड़ होता है, तो ये पोएम उसी से रिलेटेड है। तो द लम्बरम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट A few leaves yellowing all its seeds fallen. सितंबर की दोपहर को पीले धूप में अमलतास के पेड़ का शिखर शांत बिल्कुल स्थिर है। उसके कुछ पत्ते पीले पड़ गए हैं, इसके सभी बीज गिर चुके हैं। Cold finch comes and twittering chirrup. A suddenness, startlement at the branch end. Then sleek as a lizard and alert and abrupt. She enters the thickness and the machine startup of chittering and tremor of wings and thrillings. The whole tree trembles and thrills. तभी एक गोल्ड फिंच जो कि एक पक्षी है वह शाखा के एक सिरे पर आकर अचानक चहचाहट में उसने हलचल कर दी। फिर वह पक्षी छिपकली की तरह फिसल कर चौकसी और फुर्सत में घुस जाती है फुर्ती से घुस जाती है और इसी के साथ उसके बच्चों की चहचाहट पंखों की फड़फड़ाहट की मशीन चल पड़ी। सारा पेड़ कांपने लगा और रोमांचित यानी कि इंटरेस्टिंग होता है। इन द इंजन ऑफ हर फैमिली शी स्ट्रोक इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड showing her buried face identity mask then with ear delicate whistle chirrup whisperings she launches away towards the infinite and lumbrum subsides to empty uske parivar ka engine yahan pe engine ko shore kaha gaya hai vah ise puri tarah se bhar deti hai fir jhatke ke sath shakha ke sire par bahar aa jati hai उसका मुखौटा उसका धारीदार मुखौटा उसकी पहचान है। फिर वह विचित्र कोमल सीटी वाली चहचाहट के साथ दूर आकाश में उड़ जाती है और अमलतास का पेड़ फिर से शांत व सुनसान हो जाता है।